नगरीय निकाय चुनाव के लिए अपनी रणनीति साफ करते हुए उम्मीदवार चयन समिति की घोषणा कर दी है। प्रभारी महामंत्री गिरीश देवांगन और संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने राजीव भवन में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं की ताकत पर कांग्रेस नगरीय निकाय चुनाव में उतरेगी और कार्यकर्ता ही उम्मीदवार चुनेंगे। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि सरकार के नगरीय क्षेत्रों में किए गए काम जीत का आधार बनेंगे। पिछली बार के अजमाए हुए नुस्खे से ही चुनाव लड़े जाएंगे। आपको बता दें कि पिछली बार जिला अध्यक्षों ने नगरीय निकाय चुनाव में पहली बार बी फॉर्म बांटे थे। हमारे कार्यकर्ता ही उम्मीदवार चुनेंगे और कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार इतिहास में पहली बार जिला कांग्रेस अध्यक्षों ने नगरीय निकाय चुनाव में बी फॉर्म बांटे थे। उसके पहले प्रदेश से बी फॉर्म बटा करते थे। देखिए, नगरीय निकाय चुनाव बहुत ही नजदीक है और उसी को लेके वार्ड चयन कमेटी बनेगी है, जिसको वार्ड कमेटी बोलते हैं। वार्ड कमेटी ही वार्ड के जो योग्य उम्मीदवार उनका चयन करेगी और वार्ड कमेटी में ही जो आवेदक है वो अपने आवेदन वहां देंगे। खबर भोपाल से है जावेश।